सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर प्रतिबंधित विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट का 50-50 किलो का 3 बोरा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूछताछ के क्रम में आरोपी मोहम्मद शमीम और मोहम्मद इमरान ने बताया कि अवैध पत्थर के खदानों में पत्थर तोड़ने के लिए ये विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराया गया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी सदर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव से हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर लोरदगा पुलिस द्वारा मोहम्मद शमीम पिता जहीर अंसारी ग्राम रामपुर थाना सदर के घर पर छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में 3 बैग अमोनियम नाइट्रेट को बरामद किया गया। प्रत्येक बैग 50-50 केजी की है। अमोनियम नाइट्रेट एक प्रतिबंधित विस्फोटक पदार्थ है। मोहम्मद इमरान से पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि ये मोहम्मद शमीम द्वारा उपलब्ध जानकारी के आधार पर सदर थाना कांड संख्या 89/20 दर्ज की गई है। साथ ही इस कांड में मोहम्मद इमरान 82 थाना नरकोपी को भी गिरफ्तार की गई है, जिनके द्वारा ये 3 बैग उपलब्ध कराया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि अवैध पत्थर खदानों को ये विस्फोटक सामग्री सप्लाई करने वाले थे। इस आधार पर जो है, इसके सूचना के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। और भी लोगों के नाम बताए हैं जिसके संबंध में छापामारी दल के द्वारा छापामारी की जा रही है। इस छापामारी में पुलिस निरीक्षक मंटू कुमार थाना प्रभारी लोहरदगा के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार शर्मा, शशि शेखर कुमार, मोहम्मद अख्तर अली, कुवनी शैलेंद्र कुमार एवं सशस्त्र बल के जवान सम्मिलित थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।